Hello student, this is Sanjeev Jha, your online tutor, welcoming all of you on my YouTube channel. And as you see, that is our topic is central nervous system, right? और हम लोग जान चुके हैं कि central nervous system जो है वो brain और spinal cord से बना हुआ है, ठीक है? तो central nervous system पढ़ने में पढ़ना मतलब हमें उसका brain और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जानकारी लेंगे। तो इस चैप्टर में या इस वीडियो में बेसिकली हम ब्रेन की बात करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड बाद में, पहले ब्रेन के बारे में बात करेंगे कि उसके कंपोनेंट क्या है, वो किससे बने हुए हैं, ब्रेन है क्या, उसके कंपोनेंट क्या है, ठीक है? तो इसकी जानकारी लेंगे हम बेसिकली ह्यूमन ब्रेन के बारे में। चलो तो फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ब्रेन। सर इसी बच्चों, दिस इज़ द कॉम्पोनेंट और डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिस इज द फ्लो चार्ट। जितने सारे कॉम्पोनेंट हैं ब्रेन के, या फिर उसका डिफरेंट पार्ट भी कह सकते हैं, तो जितने सारे कॉम्पोनेंट हैं या डिफरेंट पार्ट हैं ह्यूमन ब्रेन के, उसका एक फ्लो चार्ट बनाया गया है और आपके सामने वो फ्लो चार्ट प्रेजेंट है। किसका ये फ्लो चार्ट है? दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द कॉम्पोनेंट और द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन किन किन पार्ट से बना हुआ है, या कौन कौन, या हम उल्टा कह सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स मिलके ब्रेन को कंपोज्ड किए हैं, बनाए हैं, ये उसका फ्लो चार्ट है। एज यू सी, ब्रेन के जो तीन पार्ट है, मेन तीन पार्ट है, ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ ए प्रो फोर ब्रेन, सेकेंड वन इज़ मिड ब्रेन, थर्ड पार्ट इज़ हाइंड ब्रेन, ठीक है? तो बेसिकली दीज आर द कॉम्पोनेंट दैट कम्पोज और मेक टोटल ह्यूमन ब्रेन, या फिर हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं, अगर ब्रेन को हम ब्रेकअप करेंगे तो थ्री मेन पार्ट में ब्रेन को हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि बेसिकली हम स्टडी करेंगे तो हम ब्रेन के ये डिफरेंट पार्ट देखेंगे जो एक दूसरे से अलग अलग हैं, इसीलिए इन तीनों के पार्ट्स, सॉरी, इन तीनों को अलग अलग पार्ट्स में रखा गया है। और जब इन तीनों पार्ट्स को मिलाएंगे तो हमारा ब्रेन जो है वो तैयार हो जाएगा। तो समझ में आया कि ब्रेन के पार्ट्स क्या क्या हैं। ब्रेन, देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ओके? नाउ जैसे आप देख रहे हो, इसके दूसरे नाम भी हैं, ये जो कॉम्पोनेंट या डिफरेंट पार्ट हैं उनके दूसरे नाम भी हैं, ठीक है? जैसे फोर्थ ब्रेन का दूसरा नाम क्या दिया है? प्रोसेनसेफेलॉन, प्रोसेनसेफेलॉन। मिड ब्रेन का इसी तरह से दूसरा नाम है मेसेनसेफेलॉन। इसी तरह से हाइंड ब्रेन का दूसरा नाम है रोम्बेनसेफेलॉन। तो नाम आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है फोर्थ ब्रेन ना देखे प्रोसेनसेफेलॉन बताए, तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है? दोनों का मतलब सेम ही होता है। जैसे एक बच्चों के दो नाम होते हैं, घर में दूसरा नाम और स्कूल का एक दूसरा नाम होता है, तो सिंपल एज सिंपल है, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, जैसे मैं बता दूँ आपको कि व्हाट आर द कंपोनेंट या व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा फोर्थ ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन आर द कंपोनेंट ऑफ द कंपोनेंट और द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। समझ में आया? ओके, चलो आगे देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो फोर्थ ब्रेन की तरफ चले जाओ, तो फोर्थ ब्रेन या प्रोसेनसेफेलॉन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, या फिर हम इसको उल्टा कह सकते हैं कि ये दो पार्ट्स हैं, टेलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन। टेलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन आर द टू पार्ट्स दैट कंपोज्ड ऑफ फोर्थ ब्रेन, यानी फोर्थ ब्रेन किससे बना हुआ है? टेलेनसेफेलॉन से एंड डायनसेफेलॉन से कंपोज्ड, जो ब्रेन का जो पार्ट कंपोज्ड हुआ है वो नथिंग बट फोर्थ ब्रेन, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं, उसी में देखिए फर्दर मैंने टेलेनसेफेलॉन को भी यहाँ पे आपका डिवीजन है, जो टेलेनसेफेलॉन किससे बना हुआ है और डायनसेफेलॉन किससे बना हुआ है, तो आप देख सकते हो टेलेनसेफेलॉन जो बना हुआ है वो सेरेब्रम से बना हुआ है, सेरेब्रम, एंड कॉर्पस स्टेरियम, ओके? तो सेरेब्रम और कॉर्पस स्टेरियम से
बना हुआ जो पार्ट है वो पार्ट क्या है, टेनन सेफेलॉन है। तो टेनन सेफेलॉन किससे बना हुआ है, या टेनन सेफेलॉन के क्या पार्ट्स हैं, या उसके कंपोनेंट क्या हैं, तो आप ये दो पार्ट का नाम ले सकते हो, दैट इज सेरेब्रम और सॉरी एंड कॉर्पस स्टेरियम। क्लियर बच्चों? नाउ इसी तरह से जो फोर ब्रेन या प्रोसेस सेफेलॉन का दूसरा पार्ट है, जो दूसरा पार्ट जिसे कंपोज हुआ है फोर ब्रेन, उसका नाम है डायन सेफेलॉन। ठीक है, तो डायन सेफेलॉन भी दो पार्ट से बना हुआ है, दैट इज थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो दैट इज ऑल अबाउट द फोर ब्रेन। जैसे आप देख रहे हो, समझ में आया फोर ब्रेन का चार्ट कि फोर ब्रेन जो कंपोज है बेसिकली दो पार्ट से कंपोज हुआ है, या हम उल्टा भी कह सकते हैं कि टेरेन सेफेलॉन एंड डायन सेफेलॉन कंपोज फोर ब्रेन, या दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन। फिर से टेरेन सेफेलॉन किससे बना हुआ है, सेरेब्रम एंड कॉर्पस स्टेरियम से बना हुआ है, या हम कह सकते हैं टू पार्ट्स टेरेन सेफेलॉन का क्या है, सेरेब्रम एंड सेकेंड पार्ट इज कॉर्पस स्टेरियम। समझ में आ रहा है बच्चों? इसी तरह से डायन सेफेलॉन के दो पार्ट हैं, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। क्लियर? अच्छा, इसमें मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि इसमें हम सिर्फ सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपली आप समझ सकते हो कि फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसको मिला के तीन पार्ट ही कह सकते हैं। क्या कहा मैंने, व्हाट द कंपोजिशन ऑफ फोर ब्रेन, या फोर ब्रेन कंपोज्ड ऑफ थ्री पार्ट्स, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। क्लियर? नाउ इस तरह से मिड ब्रेन या मेसेंसेफेलॉन की बात करें तो उसमें भी आपको दो पार्ट मिलेंगे। मिड ब्रेन भी आगे जाके डिवाइड किया हुआ है टू पार्ट्स में, दैट इज सेरेब्रल पेंडिकल्स एंड टेक्टम्स। तो दीज आर द टू पार्ट्स दैट कंपोज द मिड ब्रेन, और वी कैन से दिस इज द टू पार्ट्स ऑफ मिड ब्रेन या मेसेंसेफेलॉन। नाउ बच्चों, वी मूव टू द हाइंड ब्रेन, दैट इज ऑल्सो नोन एज रोम्बेन सेफेलॉन। तो एज यू सी, रोम्बेन सेफेलॉन और हाइंड ब्रेन इज कंपोज ऑफ टू टाइप्स, टू पार्ट्स, दैट इज मेटेन सेफेलॉन एंड माइलिन सेफेलॉन। मेटेन सेफेलॉन एंड माइलिन सेफेलॉन कंपोज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन बनाए किससे, तो दीज आर द टू पार्ट्स दैट कंपोज हाइंड ब्रेन्स। आगे देखो, मेटेन सेफेलॉन्स भी जो बना हुआ है किससे बना हुआ है, सेरेबेलम एंड पॉन्स। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और इसके बाद माइलिन सेफेलॉन जो है वो मेडुला ऑब्लॉन्गाटा से बना हुआ है। तो ये सारा पूरा कंपोजिशन और डिफरेंट पार्ट आपको पूरा खोल खोल के, जैसे एक चीज़ को सारा चीज़ आपके सामने रख दिया गया है, इसको पूरा आप तैयार करोगे तो जाके जो बनेगा वो हमारा ब्रेन बनेगा। तो दीज आर द डिफरेंट पार्ट, जितने सारे यहाँ पे पार्ट हैं, ऑल आर द पार्ट्स ऑफ ब्रेन। क्लियर हुआ बच्चों? इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन इनबॉक्स मी, आई डेफिनेटली गिव यू आंसर। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे ब्रेन के बारे में। ठीक है, कि ब्रेन क्या होता है, इसके पार्ट्स तो पढ़े हैं, अब उस पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेंगे कि ब्रेन क्या है। चलिए देखते हैं। एज यू सी द ब्रेन एंड इट्स पार्ट, तो आप जैसे देख रहे हो बच्चों कि ब्रेन एंड इट्स पार्ट्स क्या बताता है, ब्रेन इट्स पार्ट की, देखिए मैंने डेफिनेशन लिखा है रेड कलर में, आपको लोग दिख रहा होगा। द बिगर पोर्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच लाइज एट द टॉप एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड विद इन द स्कल, क्रैनियम भी कहते हैं स्कल को, विद इन द स्कल और क्रैनियम इज कॉल्ड ब्रेन। तो समझ में आया ब्रेन क्या है? ब्रेन जो है वो सबसे बड़ा पोर्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। हम लोग पढ़े थे व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका सबसे बड़ा पोर्शन जो है, बिगेस्ट पोर्शन जो है वो क्या है, ब्रेन है।
जो कहाँ पे पाया जाता है, विच लाइज एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पे मतलब एकदम टॉप पे होता है, और क्रैनियम के अंदर यानी स्कल जो खोपड़ी होते हैं खोपड़ी के अंदर जो पाया जाता है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। समझ में आया? नाउ इसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी देखने को मिलेगी कि ब्रेन में होते क्या हैं, ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि द पिंकिश ग्रे कलर ह्यूमन ब्रेन इज़ अ लार्ज मास कंसिस्टिंग अबाउटिंग 10^10 नर्व सेल्स। तो बेसिकली आपको इस हमारे जो ब्रेन ह्यूमन ब्रेन या किसी का भी जो ब्रेन मिलता है इसमें बेसिकली नर्व सेल्स होते हैं और न्यूमरस न्यूरोलॉजिया होता है। हम पढ़ चुके हैं ये सब क्या होता है, ठीक है। तो आपको न्यूरॉन सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन मिलेगा और न्यूरोलॉजिया मिलेगा जो हमारे बॉडी के हमारे दिमाग को सोचने में कोई भी काम को करने में को जो भी काम हम करते हैं दिमाग बहुत आसानी से कर सकता है। क्योंकि अगर नर्व नहीं रहेंगे न्यूरोलॉजिया नहीं रहेगा तो हम जो भी काम करते हैं वो काम हम जल्दी या उतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो मेनली नर्व सेल और न्यूरोलॉजिया मिलेगा आपको ब्रेन के अंदर। फर्दर इट ऑक्यूपाइज 1500 दैट इज़ 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर इन द कैविटी ऑफ द स्कल। तो स्कल में कितना परसेंटेज होता है या कितना एरिया कवर करता है ये बताता है कि हमारे स्कल का जितना एरिया है उसका 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर जो कैविटी है वो इसे ये वो जगह घेर के रखता है। और क्या करता है, द एवरेज वेट ऑफ एन एडल्ट ब्रेन। अगर हम देखें एक विकसित एडल्ट मतलब विकसित बच्चे का दिमाग जो होता है वो लगभग 1.36 केजी होता है बच्चों। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप जरूर नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स दैट इज़ फोर ब्रेन मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो हम पहले पढ़ चुके थे, आपको बताए थे इसके पहले ही, तो वही चीज़ यहाँ पे है जिसे अब हम डिटेल्स में करेंगे, ठीक है। चलो तो जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों कि एज यू सी ये आपका ब्रेन है, राइट। ब्रेन का मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे दे दिया है और जैसे कि आप देख रहे हो ये जो आपको ग्रीन वाला पार्ट ये ग्रीन से मैं दे रहा हूँ ये वाला दैट इज़ कॉल्ड व्हाट फोर ब्रेन। क्या है ये? फोर ब्रेन है। उसके बाद मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपको समझ में आएगा। दैट इज़ ये जो दिख रहा है बीच में ये वाला दैट इज़ कॉल्ड मिड ब्रेन, ओके मिड ब्रेन। एंड लास्ट में जो आप नीचे दिख रहा है ये दिख रहा है आपको, इसको हम क्या बोलेंगे, इसी की हम ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ये वाला लास्ट वाला पार्ट, ये पार्ट हमारा हाइंड ब्रेन है, ठीक है। तो ये हमारा पूरे ब्रेन का स्ट्रक्चर है, जो ऊपर में सबसे पहले आपको क्या मिलेगा फोर ब्रेन, नीचे वाला जो ग्रीन कलर का है वो मिड ब्रेन, और नीचे ये जो पोर्शन है ये आपका क्या दिखाता है हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो समझ में आया बच्चों आपको, ये 3 पार्ट हैं। अब इसी 3 पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला ही पार्ट जो दिख रहा है आपको वो क्या है हम लोग का फोर ब्रेन, ठीक है ये वाला पोर्शन। तो वी आर गोइंग टू स्टडी द फोर ब्रेन, चलिए देखते हैं। सो एज यू सी दैट इज़ फोर ब्रेन, क्या बताता है, मैंने डेफिनेशन लिखा है कि फोर ब्रेन द मोस्ट इंटीरियर पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड फोर ब्रेन। अगर आप फोर ब्रेन को जैसे मैंने अभी दिखाया था तो वो फोर ब्रेन जो होता है जो सबसे मोस्ट इंटीरियर पोर्शन होता है ब्रेन का, इंटीरियर मतलब पीछे वाला, ठीक है। तो जो मोस्ट इंटीरियर पोर्शन होता है ब्रेन का उसे हम फोर ब्रेन कहते हैं, ओके। नाउ फर्दर जैसे मैंने बताया था कि फोर ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को याद नहीं रखेंगे, हम लोग जो पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे फोर ब्रेन के में क्या पढ़ेंगे, फोर ब्रेन में सेरिब्रम पढ़ेंगे, थैलेमस पढ़ेंगे और हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे। समझ में आया? तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, तो ये चीज़ आपको फोर ब्रेन याद होगा कि फोर ब्रेन क्या है और इसका कंपोजिशन क्या है, ठीक है। तो फोर ब्रेन क्या है, द मोस्ट इंटीरियर पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड फोर ब्रेन, सिंपल सा डेफिनेशन है। एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन, तो सेरिब्रम सेरिबेलम
thalamus and hypothalamus are the parts of it. Okay, now जैसे कि आप देख रहे हो, तो मैंने बताया अभी, अब हम पार्ट में जा रहे हैं कि सेरेब्रम क्या होता है, ये किसका पार्ट है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए तो पढ़ते हैं सेरेब्रम। तो सेरेब्रम क्या होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट होता है, मैंने दिखाया था रेड कलर का ऊपर में, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का होता है, दिस इज़ कम्पोज ऑफ राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो आप सेरेब्रम को डिफाइन कैसे करोगे, व्हाट इज सेरेब्रम? तो सेरेब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड कंपोज्ड ऑफ द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। इट परफॉर्म हायर फंक्शनिंग लाइक इंटरप्टिंग टच, विजन, हेयरिंग, एज वेल एज स्पीच, रीजनिंग, इमोशन, लर्निंग एंड फाइन कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट। तो जो सेरेब्रम होता है, फोरब्रेन का एक पार्ट होता है सेरेब्रम, वो क्या करता है, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है और ये कंपोज होते हैं, कंपोजिशन हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी जान लो कि ये कंपोज होता है टू हेमिस्फीयर में। और इसका काम क्या होता है, ये हाइयर फंक्शन करते हैं, मतलब हाई लेवल का, जैसे टच आप करते हो, विजन जो देखते हो, हेयरिंग जो सुनते हो, स्पीच जो बोलते हो, रीजनिंग कोई रीजनिंग क्वेश्चन करते हैं, इमोशंस जो हमारे शरीर में आते हैं, लर्निंग जो सीखते हैं हम, और बहुत सारे जो मोमेंट होते हैं, ये सारा कंट्रोल कौन करता है, सेरेब्रम करता है, ठीक है। नाउ वी मूव टू द सेरेब्रम के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लोकेशन आ जाता है कि सेरेब्रम लोकेटेड कहाँ है। तो लोकेशन, द सेरेब्रम इज लोकेटेड द अपर पार्ट ऑफ द क्रैनियल कैविटी। सेरेब्रम कहाँ लोकेटेड है, अपर पार्ट ऑफ द क्रैनियल कैविटी विच स्पेस इनसाइड द टॉप ऑफ द स्कल। स्कल के एकदम ऊपर में ये लोकेशन पाया जाता है। ओके, नाउ वी मूव टू द स्ट्रक्चर। तो आप लोग क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है, कि जैसे व्हाट इज द क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेरेब्रम। अगर लोकेशन पूछ देगा, इसका क्वेश्चन ये जो देख रहे हो आप, इसका क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द सेरेब्रम। तो सेरेब्रम इज लोकेटेड the upper part of the cranial cavity, ठीक है, cranial cavity के upper part में ये located रहता है, ठीक है, यानी खोपड़ी के ऊपर भाग में, ठीक है। और ये किसका part है, cerebrum is the part of forebrain, right? forebrain का तीन part बताया था मैंने अभी पिछले slide में, cerebrum, thalamus and hypothalamus। तो हम अभी सेरेब्रम के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि इसका location पर हैं, अब इसका structure कैसा होता है। location clear है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेरेब्रम। चलो तो आप ये देख लो, आपको ये बहुत ही मेहनत, बहुत ही मेहनत की है इसके ऊपर, आप जैसे देख रहे हो आपके सामने, ठीक है। तो दैट इज़ द स्क्रीन दैट यू सी, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन पहले आप देखो, ये बना हुआ है सेरेब्रम से, किससे बना हुआ है, सेरेब्रम से। तो दैट इज़ ये येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये है सेरेब्रम। ये क्या है, सेरेब्रम है जो हम पढ़े थे अभी, पढ़े थे पिछले स्लाइड में, डेफिनेशन पढ़े उसका, लोकेशन पढ़े थे। अब हम आपको पिक्चर दिखा रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, ठीक है, येलो जो येलो कलर का पूरा पार्ट है आपका, ठीक है, येलो पूरा पार्ट, ये सेरेब्रम होता है। और ये सेरेब्रम जो है दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है, जैसे मैंने अभी बता रहा था कि देखिए ये जो है ये आपका सेरेब्रम है, ये वाला जो पार्ट है दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, सेरेब्रम कहलाता है, ठीक है। और ये जो है कुछ इस टाइप का रहता है, ठीक है, आप ऊपर से देखोगे, ठीक है, तो ऐसा आपको दो हेमिस्फीयर दिखाई देगा। ये जो सेरेब्रम है वो दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड रहता है, लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है, आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, एक राइट है एक लेफ्ट है, ठीक है। तो ऐसे सेरेब्रम जो रहता है ये वाला कुछ इस तरह से डिवाइडेड रहता है, दो हेमिस्फीयर से डिवाइडेड रहता है। और देखिए मैंने यहाँ पे एक एरो दिया है ग्रीन कलर का, कि ये जो दोनों सेरेब्रम है, सॉरी दोनों जो हेमिस्फीयर हैं,
तो हमने क्या बताया, फिर से मैं समझा रहा हूँ कि सेरिब्रम जो है वो टू हेमिस्फेयर में डिवाइडेड रहते हैं, टू हेमिस्फेयर में। कितने हेमिस्फेयर में सेरिब्रम डिवाइड रहता है? टू हेमिस्फेयर में, ठीक है। और दोनों ही सिमेट्रिकल होते हैं, सब कुछ इक्वल रहता है, और दे आर कनेक्टेड बाय द ब्रॉड बैंड ऑफ फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस कैलसम। जैसे दिख रहा है आपको ये वाला जो है, जैसे ये दिख रहा है इस पिक्चर में, देखिए आप, ये वाला दो, ये वाला एक सर, ये है हेमिस्फेयर और ये वाला दूसरा हेमिस्फेयर है, राइट। और ये दोनों जो जुड़े हुए हैं, यहाँ से देखिए एक जुड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से जो जुड़ा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलसम कहते हैं, ठीक है। समझ में आया कि सेरेब्रम इज कंसिस्ट ऑफ आर डिवाइड इनटू टू सिमेट्रिकल हेमिस्फीयर व्हिच आर कनेक्टेड बाय ए ब्रॉड बैंड ऑफ फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस कैलसम, ठीक है। अब इसके अंदर आपको ये वाला दिखाई देगा, ये वाला चीज़, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। ये हर एक आपको हेमिस्फीयर के अंदर ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स मिलेगा, कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। और इसके अंदर आपको ग्रे मैटर मिलेगा और वाइट मैटर मिलेगा। तो ग्रे मैटर में मेनली जैसे आप देख रहे हो ग्रे कलर का आपको ऊपर ऊपर दिख रहा है ना, तो ये होता है ग्रे मैटर जो बना हुआ है नर्व सेल से, ठीक है। घबराने वाली बात कोई नहीं है, मैं अगले चीज़ इसी चीज़ सारे चीज़ों को मैं अगले स्लाइड में आपको सारा डिटेल्स बताऊँगा। लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ ताकि आप समझें कि सेरेब्रम का कंस्ट्रक्शन कैसा है, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था, ये ऊपर नर्व सेल जिसे ग्रे मैटर कहते हैं, और ग्रे मैटर के अंदर जैसे वाइट वाइट दिख रहा है आपको, ये वाला देखिए आपको वाइट वाइट दिख रहा है यहाँ से लेकर पूरा, ठीक है। ये वाला फूल की तरह बना हुआ है, तो उसे हम कहते हैं वाइट मैटर, और ये बना होता है एक्सॉन से। क्लियर हुआ बच्चों? ये पूरा चीज़ बेसिक चीज़ आपके दिमाग में घुसाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कि सेरेब्रम का ये सारा पार्ट है, ठीक है, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है। समझ में आया? चलिए गुड, नेक्स्ट। तो हम एक एक करके सारा कुछ पढ़ेंगे। सेरेब्रम का अभी हम पढ़ चुके हैं, अभी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो दैट इज सेरेब्रम, स्ट्रक्चर ऑफ सेरेब्रम। अभी मैंने आपको बताया था कि द सेरेब्रम कंप्राइजेज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो सेरेब्रम ही है। तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा, समझ, यहाँ पे से क्वेश्चन आ रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन करना भी पकड़ना भी बहुत बड़ी बात होती है। आप पढ़ते हुए चले जाओगे, कुछ समझ में नहीं आया तो आप हर समय कुछ ना कुछ क्वेश्चंस निकालते रहो। जितना क्वेश्चंस आप ढूंढ पाओगे उतना आप बेहतरीन तरीके से पढ़ पाओगे। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं सेरेब्रम के स्ट्रक्चर की, जो अभी हम विजुअली आप लोग को एक एक करके दिखाए थे, उसी चीज़ को हम बताने जा रहे हैं यहाँ पे। चलिए, तो क्या होता है, द सेरेब्रम कंप्राइजेज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट क्या है? नथिंग, दैट इज सेरेब्रम। इट डेवलप पेरेंटली फ्रॉम द प्रोसेंसेफेलॉन और द फोर्थ ब्रेन ऑफ द एम्ब्रियो। फोर्थ ब्रेन के एम्ब्रियो से ये डेवलप हुआ है, ठीक है, यानी फोर ब्रेन का ही पार्ट है, हम लोग पढ़ ही रहे ना, इसीलिए वहीं से डेवलप हुआ है। उसके बाद देखिए, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। ये कितने भागों में डिवाइडेड है? मैंने अभी बताया था टू हाफ्स, द लेफ्ट एंड राइट। नाम दिया गया इसका लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर क्या है? सेरेब्रम का पार्ट है, ठीक है, जो दो सिमेट्रिकल हेमिस्फीयर बनते हैं उसका ये पार्ट का नाम है, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। चलिए आगे पढ़ते हैं। द टू हेमिस्फीयर कंट्रोल ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। यानी ये जो दो हेमिस्फीयर होते हैं, ये राइट साइड वाले जो हेमिस्फीयर है वो बॉडी के लेफ्ट हैंड के एक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है, और जो लेफ्ट वाला है वो सॉरी जो राइट वाला है वो लेफ्ट वाले को बॉडी के कंट्रोल करता है। समझ में आया बच्चों? दैट इज़
मैं ये चीज़ का दैट इज़ द राइट हेमिसफेयर कंट्रोल द दैट इज़ द राइट हेमिसफेयर सॉरी दैट इज़ द राइट हेमिसफेयर कंट्रोल द लेफ्ट हेमिसफेयर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा। क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है कि चलिए आगे। द हेमिसफेयर आर कनेक्टेड टू इच अदर। तो हेमिसफेयर कनेक्टेड किससे हैं? जात करके दिमाग का अगर अलग अलग हो जाएगा तो फिर कनेक्शन कैसे रहेगा, जाएंगे कैसे? जो ट्रांसमिशन होता है, जो स्टिमुलस आते हैं, वो ट्रांसमिट कैसे होगा? तो दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाई ए स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। तो वो जो दो हेमिसफेयर होते हैं सेरेब्रम के, वो कनेक्टेड रहते हैं किसके द्वारा? कॉर्पस कैलोसम के द्वारा। किसके द्वारा? कॉर्पस कैलोसम के द्वारा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये भी चीज़, आप याद रखो कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, ये वाला कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम से ये क्या रहता है? कनेक्टेड रहता है। तो कॉर्पस कैलोसम, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द कॉर्पस कैलोसम? तो कॉर्पस कैलोसम इज नथिंग बट द थिक स्ट्रक्चर ऑफ नर्व फाइबर। ओके, देखिए मैंने आगे लिख दिया वही चीज़ कि व्हाट इज कॉर्पस कैलोसम? अ डेंस थिक सेट ऑफ नर्व फाइबर दैट डिवाइडेड द टू हेमिस्फीयर्स एंड फैसिलिटेटेड द कम्युनिकेशन बिटवीन देम। यानी कॉर्पस कैलोसम क्या होता है? डेंस मतलब घना, थिक मतलब मोटा, मोटा थना मोटा घना सेट ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर जब सेट ऑफ नर्व फाइबर जब जो हेमिस्फेयर को डिवाइड कर देता है और दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन बनाए रखता है, जिस नर्व को, जिस सेट ऑफ नर्व को, उस सेट ऑफ नर्व को हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। तो स्ट्रक्चर क्लियर हुआ आप लोगों को बच्चों कि सेरेब्रम का स्ट्रक्चर क्या हुआ? सेरेब्रम का स्ट्रक्चर जो है बेसिकली जैसा मैंने बताया था, ये डेवलप्ड हुआ है कहाँ से? इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम द ब्रेन फोर ब्रेन ऑफ द एम्ब्रियो। और फिर आगे चल के इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स दैट इज राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। द टू हेमिस्फीयर कंट्रोल ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। यानी दैट इज द राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड द वाइस वर्सा। ठीक है, एंड हेमिस्फीयर जो कनेक्टेड है वो किससे कनेक्टेड है? द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाई ए स्ट्रक्चर कॉल्ड द कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम से ये राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर कनेक्टेड है, जुड़े हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज कॉर्पस कैलोसम? तो उसका मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, अ डेंस थिक सेट ऑफ नर्व फाइबर दैट डिवाइडेड द टू हेमिस्फीयर एंड फैसिलिटेटेड कम्युनिकेशन बिटवीन देम इज नोन एज सेरेब्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ आ जाता है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स विच कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फ्रॉम द बॉक्स ऑफ द कवर बाय द लेयर ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली 1/10 ऑफ द इंच थिक एंड द लेयर कंटेन ग्रुप्स एंड्रॉइड्स विच इंक्रीज द सर्फेस। जैसे मैं कॉर्टेक्स की बात बता रहा था, याद होगा आपको कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो ऊपरी पार्ट में था, राइट? तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो कहाँ पे है? देयर आर सिक्स, उसमें क्या पाया था? 20 billion न्यूरॉन एंड ओवर 300 trillion सिनेप्स इन द कॉर्टेक्स अलोन। तो सिर्फ कॉर्टेक्स में सोचिए कितना बिलियन न्यूरॉन रहता है और सिनेप्स कितने रहते हैं। An increased amount of surface area therefore allows for the more neuron to be present। और जितना न्यूरॉन कॉर्टेक्स में होगा उतना ही ज़्यादा आपकी सोच होगी, उतनी ही ज़्यादा आपका दिमाग ज़्यादा होगा। ठीक है, तो दिमाग ज़्यादा चालाक, ज़्यादा ज़्यादा सातिर, बहुत बुद्धिमान वही रहते हैं जिसके जिसके फोर ब्रेन में ये न्यूरॉन और साइनेप्स, न्यूरोलॉजिया, ये सब जब ज़्यादा परिमाण में रहते हैं तो जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है वही क्या होता है? ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एज यू सी द आउटर पार्ट ऑफ द सेरेब्रम, सेरेब्रम का जो आउटर पार्ट था वो किससे बना हुआ था? मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स
मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ की बात हो रही है, ठीक है। द आउटर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम इज अ मेड अप ऑफ मेनली सेल बॉडीज, न्यूरॉन एंड ब्रांचिंग डेंड्राइट कॉल्ड ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर क्या है और यहाँ पे वाइट मैटर क्या है, मैं ये बताने जा रहा हूँ। तो ग्रे मैटर जैसे आपको उस पिक्चर में दिखाया था, याद होगा आप लोगों को कि ग्रे मैटर क्या, तो उसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। तो ग्रे मैटर ये वाला देखिए, ये वाला पिक्चर ऐसा देखे थे आप, है ना, बीच बीच में फुल फुल टाइप का था, तो उसी चीज़ की बात बता रहा हूँ। तो ये कॉर्टेक्स है, ये क्या है, ये कॉर्टेक्स है जिसका डेफिनेशन मैंने अभी आप लोगों को बताया। और ये कॉर्टेक्स के दो पार्ट हैं, एक वाइट मैटर और एक ग्रे मैटर। तो वाइट मैटर क्या होता है और ग्रे मैटर क्या होता है ये मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो पढ़ते हैं, जैसे ये यहाँ पे क्वेश्चन हैं कि व्हाट इज़ ग्रे मैटर, ये इंपॉर्टेंट है और आता है। द आउटर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम मेड अप ऑफ मेनली सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन, तो किससे बना हुआ है, न्यूरॉन से और ब्रांचिंग डेंड्राइट से, यानी सेरिब्रम का वो पार्ट या वो आउटर पार्ट जो मेनली न्यूरॉन और ब्रांचिंग डेंड्राइट से बने हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं, ग्रे मैटर कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज ग्रे मैटर, द आउटर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम मेड अप ऑफ मेनली सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन एंड द ब्रांचिंग डेंड्राइट आर कॉल्ड ग्रे मैटर। अब वाइट मैटर क्या है, तो वाइट मैटर चलो देखते हैं क्या है वाइट मैटर। द इनर पार्ट, यहाँ से द इनर पार्ट ऑफ द मेनली मेड अप ऑफ नर्व फाइबर, ठीक है। तो सेरिब्रम, ये सेरिब्रम ही है, ये क्या है पूरा, ये पूरा पार्ट क्या है, सेरिब्रम है, ये पूरा पार्ट क्या है, सेरिब्रम है, जिसका अपर पार्ट हमने यहाँ पर पढ़ा, ये दिख रहा है आप लोगों को ग्रे कलर का है, तो वो ग्रे मैटर कहलाता है। जो वाइट कलर का है, वाइट मैटर दिख रहा है, ठीक है, ये है ग्रे कलर का, ये सब ग्रे और दैट इज़ वाइट। तो ये अपर पार्ट हो गया, और उसके अंदर द इनर पार्ट ऑफ मेनली मेड अप ऑफ नर्व फाइबर, ये किससे बने हुए हैं, एक्सॉन से बने हुए हैं, ठीक है। तो एक्सॉन से या नर्व फाइबर से जो बने हुए हैं, जो इनर पार्ट किसका, सेरिब्रम का, वो कहलाता है वाइट मैटर। क्लियर, समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेरिब्रल लोब्स, जैसे सेरिब्रल लोब्स कहाँ पाया जाता है, तो हेमिस्फेयर, वो जो हम दो हेमिस्फेयर बने थे सेरिब्रम के, उसके दोनों हेमिस्फेयर में लोब्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, सेरिब्रल लोब्स कहते हैं, यानी हर जो हम पढ़े थे हेमिस्फेयर उसी के बारे में। द सेरिब्रल हेमिस्फेयर आर डिवाइडेड इंटू फोर डिफरेंट लोब्स, हम पढ़े थे ना, तो सिमेट्रिकल हेमिस्फेयर, सेरिब्रम किससे बना हुआ था, दो सिमेट्रिकल हेमिस्फेयर से बना हुआ था। तो सिमेट्रिकल हेमिस्फेयर में, हर एक हेमिस्फेयर में चार चार लोब्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। द सेरिब्रल हेमिस्फेयर, इसलिए क्या कहेंगे, द सेरिब्रल हेमिस्फेयर आर डिवाइडेड इंटू फोर डिफरेंट लोब्स, तो आपको लोब्स के नाम रखने, याद रखने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फोरहेड। The first lobe of the hemisphere is in the frontal lobe, followed by the parietal lobes. The two are separated by the central sulcus. Below the frontal and parietal lobe is a temporal lobes, and this is separated from the frontal lobes by the lateral sulcus. At the rear of the brain is occipital लोब्स। तो मेनली आप यहाँ पे ये याद कर लो, सेरिब्रम के जो पार्ट हैं, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे देख लेना है, और ये पार्ट आपको याद करने हैं कि ये चार लोब्स में हेमिस्फेयर, ईच हेमिस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, ठीक है, जिसे हम फ्रंटल लोब्स कहते हैं, पेरिटल लोब कहते हैं, ऑक्सीपिटल लोब या टेम्पोरल लोब्स भी हम कह सकते हैं। तो आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं और इसके फंक्शंस याद रखने हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होगे, या फिर इसमें कोई डाउट है, आप नहीं समझे हो,
कोई डाउट है तो यू कैन इनबॉक्स मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो मैंने यहाँ पे आपको दे चुका हूँ, देखिए यहाँ पे ये जो है आपको दिख रहे होंगे इस पिक्चर में कि ये फ्रंटल लोब्स हैं, राइट, ये पेरिएंटल लोब्स हैं, ये ऑक्सीपिटल और ये टेम्पोरल लोब। सारा फंक्शन भी हमने यहाँ पे दे दिया है, सबका फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन आप पढ़ लोगे, जैसे पेरिएंटल लोब्स देखो, पेन है, ठीक है, प्रेशर है, टच है, तो ये सब विजुअल फंक्शंस ये सब पेरिएंटल लोब्स करते हैं। टेम्पोरल लोब्स क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे, तो इस तरह से ये चार लोब्स, इच जो हेमिस्फेयर ये चार लोब्स में डिवाइडेड हैं और इनके सारे फंक्शन इसमें दिए हुए हैं। ओके, तो ये हमारा फोर ब्रेन के पार्ट्स, फोर ब्रेन पढ़ा हमने, फोर ब्रेन का पार्ट्स पढ़ा, जिसमें सेरिब्रम, सेरिब्रम का स्ट्रक्चर पढ़े। अब हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, कि और उसी में हमने ये सारा चीज़ पढ़ा जो आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। एज यू सी द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, आप यहाँ से बहुत सारे फंक्शंस हैं, यहाँ से दो चार जैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप समझ लीजिए। सम पार्ट्स ऑफ द सेरिब्रम एक्ट एज ए मोटर नर्व विथ कंट्रोल, एक्ट एज टाइप ऑफ ए वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द मसल्स, ठीक है। तो फंक्शन में क्या होता है, सम पार्ट ऑफ द सेरिब्रम, सेरिब्रम का कुछ जो पार्ट है एक्ट एज ए मोटर नर्व की तरह काम करता है, विच कंट्रोल द टाइप ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट, मसल्स के जो वॉलेंट्री मसल्स है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है हमारा सेरिब्रम। दूसरा देखिए, सम पार्ट्स एक्ट एज ए सेंसरी सेंटर एंड दस रिसीव एंड एनालिसिस द जनरल सेंसेशन लाइक पेन, टेम्परेचर, टच एक्सेट्रा। तो एक तो देखिए आप मोटर सेंटर की तरह काम करता है अभी आप देख रहे हो, दूसरा कुछ पार्ट होता है जो सेंसरी सेंटर की तरह भी काम करता है, जिससे हमें क्या पता चलता है, जैसे आप रिसीव करता है, सेंसरी मतलब सेंस करना, रिसीव करता है और उसको एनालाइज करता है, जैसे कटना, आपको कट गया तो दर्द होगा, कोई छू रहा है तो छूने का एहसास आपको पता चलता है कि कोई अच्छे तरीके से छू रहा है, कोई बुरे तरीके से छू रहा है, टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर लो है, तो देखिए ये सेंस करता है और उसको एनालाइज करता है, ठीक है। तो दो तरह का हमने काम देखा, एक पहला काम क्या देखा हमने, पहला काम हमने देखा मोटर सेंटर की तरह काम करते हैं, राइट, हमने देखा पहला मोटर सेंटर की तरह काम करता है और दूसरा सेंसरी सेंटर की तरह काम करता है, जिससे हमें, ठीक है, क्या पता चलता है, पेन के बारे में पता चलता है, टेम्परेचर के बारे में पता चलता है, टच के बारे में पता चलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फंक्शन नंबर थ्री क्या बताता है कि फ्रंटल लोब एक्ट एज ए सेंटर ऑफ द मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड जजमेंट। तो देखिए बच्चों, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, यह बहुत बड़ा पार्ट है कि फ्रंटल लोब जो होता है, यानी फोर ब्रेन का जो फ्रंटल लोब होता है, जैसे अभी पढ़े थे फ्रंटल लोब, ठीक है, तो वो क्या काम करता है, यहाँ से आपको फंक्शन मिल जाएगा, देखिए, तो उसी का काम, जो लोब्स का जो काम है वही आप काम लिखने से भी हो जाएगा, क्योंकि लोब्स के काम ही ये सब काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि तीसरा जो फ्रंटल लोब एक्ट एज ए सेंट्रल ऑफ द मेमोरी, ठीक है, एकदम मेमोरी का सेंट्रल जो काम, वो काम क्या है, फ्रंटल लोब है हमारा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमान कितना आदमी रहता है, किसी को जज कर सकते हैं, तो ये किसी को जज करना, इंटेलिजेंसी किसकी वजह से आती है, इसकी इसको कंट्रोल कौन करता है, मेनली फ्रंटल लोब करता है, ठीक है, जो कि फ्रेन वो, तो हम कह सकते हैं कि ये सेरिब्रम का ये मेन फंक्शन में से एक फंक्शन आता है। चलिए क्वेश्चन फंक्शन नंबर फोर, इट इज़ द सीट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस में भी ये हेल्प करता है। एंड फिफ्थ, डिफरेंट लोब्स ऑफ द सेरिब्रम एक्ट एज ए इम्पॉर्टेंट सेंटर लाइक स्पीच, राइटिंग, विजन, ऑडिटेशन, टेस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमें स्पीच करने में, राइटिंग करने में, देखने में, ऑडिटेशन सुनने में, टेस्ट करने में, ये सारा जो काम होता है वो मेनली सेरिब्रम के द्वारा होता है, या सेरिब्रम में जो लोब्स हैं, ठीक है, उन लोब्स के द्वारा ये सारे फंक्शन होते हैं। तो आई होप आप लोगों को सेरिब्रम का फंक्शन समझ में आया होगा,
ठीक है। और फिर भी अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।